और अब हम आपको जो खबर दिखाने जाने वाले हैं वो बेहद अहम है पूरे देश के लिए, क्योंकि बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध, बढ़ते यौन अपराध के मामले में पहला मामला मुंबई में दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले में जो नए प्रावधान है वो लगाए गए। 70 साल की इस शख्स का नाम नियाज रजा है। आरोप 13 साल की लड़की के बलात्कार उसका MMS बनाने का है। ये गिरफ्तारी इसलिए सबसे अलग है क्योंकि बलात्कार और IT एक्ट के अलावा पहली बार प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की धारा लगाई गई। पुलिस का दावा है कि कानून बनने के बाद पहली बार इसे अमल में लाया गया। इसके और गुने हैं, इस प्रकार के और गुने उसने 2 किए, ऐसा एक अंदाजा है, शक जाहिर किया है। इसकी वजह से कोर्ट ने उसे 21 तारीख तक पुलिस रिमांड में भेजा गया। बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने का ये नया कानून काफी ताकतवर और बच्चों के हक में है। इस कानून के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान पूरी तरह छिपाई जाती है। सुनवाई के दौरान या केस के चलते वक्त बच्चे के आरोपी का आमना सामना कराने की जरूरत नहीं होती। बच्चे डरे नहीं, इसलिए पुलिस को भी कई हिदायतें इस कानून के तहत दी गई। दावा किया जा रहा है कि इस कानून के तहत पीड़ित परिवारों को जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। पुलिस इस केस में अब नियाज का मेडिकल टेस्ट करवाना चाहती है और यह जानना चाहती है कि जो मोबाइल क्लिप आरोपी ने बनाई वो किसे भेजी गई। मुंबई से धर्मेंद्र तिवारी, NDTV इंडिया। India's number one news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.